नाम से आप सभी लोगों को स्वागत है। थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, बिजली का असुविधा है, उसके लिए हम खेद हैं। हो सकता है इस आराधना के बीच में बिजली आ जाए, तब तक थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। लगातार हम एक मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने मुझको बोझ दिया। उस मुद्दा के आधार पर हम बीते हफ्ता परमेश्वर के वचन को अध्ययन किए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक आज अभिषेक नहीं है, दो तीन जन शैलो तो पढ़ेगी, इधर भी दो तीन जन प्रयास करें, जैसे ज्योतिष है और राहुल किसी के पास हिंदी बाइबल है तो बिंदु के पास से प्रयास करें, ठीक है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 16 अध्याय उसमें 20 पद को पहले हम अध्ययन के लिए सुनेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे, तुम रोओगे और विलाप करोगे, और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलना हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे जितना शोक है उसके बारे में गारंटी लेता प्रभु यीशु मसीह, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। दुनियादारी लोग दुनियादारी विचार से जो गारंटी लेते हैं वो सब पूरा नहीं होता है, वो झूठा गारंटी है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे साथ गारंटी का वाचा बांधता है वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। इस बात को पहले एक बार इस तरह समझ लें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे मैं सच सच कहता हूं। वो प्रभु होने के कारण सच सच जो शब्द है उसको इस्तेमाल नहीं भी करता, बात तो वही है। तो लेकिन वो क्यों सच सच करके ट्रूली वेरीली तो इस शब्द को इस्तेमाल करता, सच सच मैं गारंटी देकर के बोलता हूं। इसका मतलब मैं गारंटी देकर के बोलता हूं। दुनिया के लोगों के बारे में पहले बतलाता है, एक पहले कलीसिया के बारे में, तुम लोग रोओगे और विलाप करोगे। सबसे पहले हम लोगों के लिए बात को समझ लीजिए, थोड़ा इत्मीनान से बोल रहा हूं, अच्छा से समझ में जाए। हम लगातार कुछ समय इस संबंध में प्रचार करेंगे, क्योंकि आप जितना अंदर आपके अंदर आनंद और खुशी होगी, आपके अंदर जितना आत्मिक ताकत होगी कि समझ लीजिए आप जहां भी रहेंगे शहर में बहुत लोगों का प्रभु के बारे में बतलाएंगे। जब तक आप प्रभु की सामर्थ और उसकी शक्ति और उसके आशीष को आप जब तक छक्के नहीं देखेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं बतलाएंगे। इसलिए परमेश्वर का दास दाऊद भजन लिखते समय में उसने कहा छक करके देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आप पहले छक करके देखो, प्रभु का ये गारंटी है। दुनिया में बहुत लोग गारंटी देते हैं, इधर से गारंटी देगा नीचे उतरने के बाद भूल जाएगा, ऐसा बहुत सारा गारंटी है दुनिया में। भाई बहन मेरी बात पर ध्यान दीजिए, यहां प्रभु यीशु मसीह कहता सच सच है। प्रभु दो बार इस शब्द को इस्तेमाल करता है, मैं सच सच कहता हूं तुम लोग रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। कितना सुंदर ढंग से प्रभु बतलाता, अपने बच्चों से पहले कह रहा कलीसिया में रहने वाले, तुम लोग रोओगे विलाप करोगे। संसार में जो लोग रहते हैं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग मुझे नहीं मानते हैं, जो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, वे सब कोई आनंद करेगा। तुम विलाप करोगे, तुम रोओगे, जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे नहीं मानते, जो मेरे पास नहीं आना चाहते, जो इस धर्म शास्त्र को नहीं पढ़ते, जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, आशा नहीं रखते, मेरे वचनों को नहीं मानते, वे सब कोई आनंद करेगा। लेकिन एक गारंटी प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
ये गारंटी मैं देता हूं तुम्हारा शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा। जितना ताकत हो उतना ताली बजा के। ये प्रभु यीशु मसीह का गारंटी है। जितना तुम्हारा शोक है उसको मैं आनंद में बदल दूंगा। परमेश्वर हमारी शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर। मैं इसके बारे में बीते हफ्ता थोड़ा बहुत बतलाया, आज मैं कुछ और बातों को आपके सामने रखता हूं, ध्यान दीजिए। लेकिन मैं एक बार और बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जरूरत नहीं ऐसा बोलने के लिए, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, हमारे लिए क्रूस पर अपना जीवन को देने वाला वही है, बलिदान होने वाला वही है। लेकिन मरने से पहले लोगों को बतलाता है कि मैं सच सच कहता हूं, तुम लोग रोओगे, तुम लोग विलाप करोगे, संसार के लोग आनंदित और मगन होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गारंटी देता हूं कि तुम्हारा शोक को मैं आनंद में बदल दूंगा। हो सकता है हमारा शोक क्या है उसका हम किसी को नहीं बताते होंगे, मैं आपसे बता रहा हूं। आपका शोक आप किसी को बताते हैं या नहीं बताते अलग बात है, लेकिन जरूर प्रभु को बताइए। जो हमारा डॉक्टर है, जिससे हमारा इलाज चलता है, जो हमारा दवा देता है, उसको तो हमारा बीमारी पता चलना चाहिए। आप उससे दिल खोल करके प्रतिदिन सुबह शाम रात दिन दोपहर में जब भी काम करते हैं, अगर आपको कोई किसी से बात करके काम नहीं करना हो, मन ही मन प्रार्थना करो, प्रभु से कहो, प्रभु ये सब मेरा शोक है, ये सब मेरा दुख है, ये सब मेरा मुसीबत है, ये सब मेरा क्लेश है, ये सब मेरा बीमारी है, ये सब मेरा तकलीफ है, ये सब मेरा दबाव है, आई एम अंडर प्रेशर, इन बातों से मैं प्रेशर दबाव में हूं। जब तक आप अपने डॉक्टर के पास, एक मूर्ख आदमी डॉक्टर के पास गया था, थोड़ा सा समझ लीजिए, कभी कभी लोग ऐसा करते हैं। एक मूर्ख आदमी डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर के सामने जाके बैठ गया और डॉक्टर ने पूछा कि बाबू क्या दिक्कत है, तो वो व्यक्ति बोला, मूर्ख है ना वो बोला कि आपे जांचिए, आपे आपे जो है पकड़िए बीमारी, आपे दवा दीजिए। तो उसके लिए डॉक्टर को गुस्सा आया क्योंकि बाहर बहुत लोग बैठा हुआ है, यहाँ के समय को बर्बाद कर रहा था। वो बोला कि तुमको अगर दवा चाहिए तो तुम अपने बोलो, तो अगर नहीं है तो तुम निकल जाओ बाहर। तो उसके लिए बोलता, नहीं ना हम नहीं बोलेंगे, आप डॉक्टर ना आप ही दीजिए दवा। तो उसको गर्दन पर हाथ रख के डॉक्टर ने एक पैर को कमर में लगा करके खस के मार के बाहर निकाला कि जाओ तुम समय को बर्बाद कर। कभी कभी जरूर हम एक घंटा आधा घंटा दो घंटा पूरा दिन भर भी प्रार्थना करते हैं, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते, तो डॉक्टर पकड़ नहीं पाता क्या दवा देना। प्रभु आपके बात को जब तक नहीं समझेंगे तब तक वो आपके लिए सही दवा नहीं दे सकते हैं। ये बात यहाँ रखते हुए प्रार्थना के विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह जब कहा था मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसके 1 वचन लेकर जरा फटाफट पढ़ते जाए। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 6 अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे। सावधान रहो मनुष्य को दिखाने के लिए, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता का काम ना करो। धार्मिकता का काम में सबसे बड़ा काम प्रार्थना, ठीक है ना, धार्मिकता का कामों में, क्योंकि प्रार्थना ही हमको परमेश्वर के साथ जोड़ता है। अगर प्रार्थना नहीं, हम परमेश्वर के साथ जुट नहीं सकते। मोबाइल मान के चलिए अगर 10 लाख का भी है, अगर 100 रुपया का सिम इसमें नहीं डालिएगा तो ये मोबाइल कोई काम का नहीं है। तो आप परमेश्वर को कितना जानते हैं वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, कितना आप उसके साथ सही तौर से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने बातों को, दुख तकलीफ क्लेश मुसीबत परेशानी नाना प्रकार की समस्याओं को किस तरह परमेश्वर को बतलाते हैं। तो उस प्रार्थना के विषय के बारे में यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना धर्म का काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, उसके फल नहीं पाओगे। दूसरी पद, इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा ना पिटवा, ठीक है, ये दान के बारे में। तीसरा पद, जैसे कपटी, तीसरा, चौथा पद, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, ठीक है। पांचवा पद,
और जब तू प्रार्थना करे तो कपड़ियों के समान, ये पहला पद पहला वचन और पांचवा वचन कनेक्ट होता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में, आराधनालय में, मंदिरों में, सड़कों के मोड़ों में, मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, वो उनको अच्छा लगता है जो दिखाना चाहते हैं, राइट। मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल कि वे अपना प्रतिफल सड़क चौराहा में खड़ा होके दूसरों को दिखा के वहीं पर वो पा लिए परमेश्वर से, उसको कुछ मिलेगा नहीं, राइट। छह पद, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में, तो अपने देखे प्रार्थना करने का नियम, ये सब हम करते हैं हम 5 बजे उठ करके रोड में चटाई बिछा करके प्रार्थना नहीं करते हैं, ऐसा कोई करते हैं जी? नहीं करते हैं, कोई नहीं करता, राइट। हम इसके अनुसार, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो करना, तो प्रार्थना करना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके, ये सब हम करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करना, उसके मेन पॉइंट है, पकड़े अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर के प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, यही बहुत जरूरी बात है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करना। जो करता है उसकी बक बक परमेश्वर को समझ में नहीं आता। Address very clearly when you while you are praying. जब कभी आप प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को क्लियर कट में बोलो, साफ तौर से। बुरा मत मानिएगा, किसी की बातचीत इंसान ही नहीं समझ पाता तो यीशु मसीह कैसे समझेगा। बोलने के समय में साफ तौर से बोली नहीं है, लड़खड़ाता क्या बोलता क्या नहीं बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता। हम परमेश्वर के लोगों को प्रभु एक शिक्षा दिया है, जब तुम प्रार्थना करने के लिए अपने घर बंद करके, अपने कमरा बंद रहोगे, दरवाजा बंद करके मेरे सामने प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करने के समय में कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के नहीं बक बक ना करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो इसलिए तुम उनके समान ना बनो, उनकी समान प्रार्थना ना करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। भाई बहन इस बात को समझ लीजिए, जब प्रार्थना के लिए आप बैठते हैं बक बक नहीं करना, परमेश्वर को आप अगर सही तरह से समझा नहीं पाएंगे, आप अपने ही दर्द को किसी 10 आदमी के प्रार्थना निवेदन को लेकर के आप बोलने के समय में इतना आप याद रख के बोल देंगे, इतना आप भूल जाएंगे, वो संभव। लेकिन आपकी जो अपनी बातें हैं, मैं इन सारी बातें इसलिए बोल रहा, आपका शोक को परमेश्वर अगर आनंद में बदलना है, प्रार्थना में बक बक नहीं करना, साफ तौर से एड्रेस क्लियरली जो भी बात बोलना है उसको एकदम साफ तौर से परमेश्वर के सामने रखो, प्रभु ये देखिए यहां समस्या, इस बात से मैं बहुत दब रहा हूं प्रभु। इस तरह साफ तौर से जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हारा शोक को वो आनंद में बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बगल वाला को थोड़ा मोड़ के देखिएगा और पूछिएगा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। मैं बीते हफ्ता एक वचन को बोला था, मैं आज उस वचन को भी बोल रहा हूँ। कई बार हम समस्याओं को लेकर के परेशान हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, इधर समस्या उधर समस्या, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इन सारी बातों को ऊपर जय पा करके जब काम पर जाते हैं, वहां एक बड़ा शैतान बैठा हुआ है ना, होता है ना। तो कोई कोई मतलब इस प्रकार परमेश्वर के लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए रहते हैं, वो शैतान का काम है आपको डिस्टर्ब करना, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर का साथ असी खुशी के साथ मिलकर रहें,
वो आपका हमेशा आपको डिस्टर्ब तंग करते रहेगा। क्यों? आप जितना तंग हो जाएंगे उतना आप प्रार्थना कम करेंगे, बाइबल कम पढ़ेंगे, प्रार्थना कम करेंगे, वचन वचन आपके दिमाग से धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, भूल जाएंगे। इससे परमेश्वर को नहीं परंतु सैतान को बेनिफिट होता, आप धीरे धीरे सैतान की तरफ झुक जाएंगे। इस कारण वो तंग करने में, आपको परेशान करने में आपके पीछे वो लगे रहता है। एक वचन को पढ़िएगा, पहला पत्रस के पत्र उसकी 5 अध्याय, पहला पत्रस के पत्र उसकी 5 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 8 पद को पढ़ेंगे, 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस कोज में रहता है कि किसको मैं फाड़ पाए। 9-10 पद को भी पढ़ेंगे, विश्वास में दृढ़ होकर तो उसके ऊपर जय पाने के लिए, हाउ टू ओवरकम सैटन, कैसे आप शैतान के ऊपर जय पाएंगे। देखिए पहले आपको करना, जो आपको करना वो आपको करना, डॉक्टर आपके लिए केवल दवाई देगा, परमेश्वर का वचन दवा जो आपके हाथ में है, इसको आपको लेना पड़ेगा। आप इस पर विश्वास करेंगे तब आप शैतान के ऊपर हाउ टू ओवरकम, हाउ टू ओवर रूल सैटन, शैतान के ऊपर आप जय विजय कैसे, जयवंत कैसे होंगे और उसके ऊपर कैसे आपका अधिकार चलेगा। वो हम पर दांव चलाने की कोशिश करता है, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है शैतान हमेशा हम पर दांव चलाने के लिए, जैसे बैलगाड़ी में बैल दो बांध करके डुर 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 करके चलाने वाला चलाता है, शैतान हमेशा हमारे ऊपर बैठ करके हमें भी डुर डुर चलाने के लिए वो कोशिश करता है। लेकिन उसको आप उसको पर कैसे जय पाएंगे, फिर 8 पद को पढ़ेंगे, थोड़ा इसको समझ लेंगे सही तौर से। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको मैं फाड़ गाए। वो बर्बाद करने के चक्कर में हर परमेश्वर के लोगों को पीछे पीछे रहता है। तब आप पूछेगा कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानता है, मानते हैं क्या उनके लिए उनको छूट देता है? वो तो उन लोग तो उसी का गोदी में, बात समझ रहे हैं आप, परमेश्वर के गोदी में। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वे तो शैतान की गोदी में है, वो ऑलरेडी उसी के साथ है। लेकिन परमेश्वर के लोग परमेश्वर की गोदी में रहने के चलते जब आप उतर के काम के लिए जाते हैं, जब उस गोदी में से उतर करके आप अपने रिश्तेदार के शादी में, कोई समारोह में, कोई कोई फंक्शन में जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उस समय वो कोशिश करता है आपको पीछे आपको पकड़ के दबाने के लिए, आपके पुराने पापों में से आपको गिराने के लिए। जब आप अपने 10 पुराने दोस्तों से मिलने खेलने जाते हैं, जरूर कुछ ना कुछ पाप में आपको गिराने के लिए वो कोशिश करता है। ये शैतान का तरीका, राइट? तब उसके ऊपर आप कैसे जय पाएंगे, विजय कैसे उसके ऊपर आप पाएंगे? तो बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं 9 पद पढ़ेंगे, विश्वास में दृढ़ होकर ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही भुगत रहे हैं। सबके साथ ये समस्या है अलग से, लेकिन हमारे लिए उसके ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर एक हथियार हमारे लिए देता है। वो हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के विश्वास में तुम दृढ़ रहोगे। विश्वास हमारे अंदर आने के लिए परमेश्वर का वचन की जरूरत। एक आज यहां रखिए, पढ़िए थोड़ा फटाफट से रोमियो का पत्र उसके 10 अध्याय, उसमें 16-17 पद को पढ़ेंगे, रोमियो को पत्र उसकी 10 अध्याय 16-17 पद। अतः ये चाहने वालों की, दौड़ने वालों की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया। 17 पद को पढ़ेंगे, 10 अध्याय रोमियो को पत्र उसकी 10 अध्याय 17 पद। उस समाचार पर कान न लगाया, उसके ऊपर का भी वचन पढ़ेंगे, और यदि
भेजे ना जाए, यदि परमेश्वर के लोगों को से लोगों को भेजा भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? कैसा प्रचार करेगा? प्रचार कौन सा प्रचार होगा? परमेश्वर का ही वचन का प्रचार होता है। राइट, पढ़ेंगे। उस पर लिखा है उनके पाप क्या ही सुहावने सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है, किसने हमारा वचन पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से कौन सा क्या 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 सुनते हैं हम? अगर कोई हमको प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, एक कहानी कथा बोलता है या परमेश्वर के वचन को बोलता है, बोलिए क्या बोलता है बोलने वाला? मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एक घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा, सवा घंटा, तो हम क्या हम अपनी बात बोलते हैं या दुनिया की किसी 10 आदमी का बारे में हर हफ्ता यहाँ 10-10 मिनट बोलते हैं? नहीं, हम केवल प्रभु के बारे में बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में बोलते हैं। अब उस जगह में ध्यान दीजिए, इस वचन को एक बार और पढ़े, विश्वास। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वेरी क्लियर, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। उसी वचन को आप जिस पर विश्वास करेंगे, उस विश्वास के आधार पर आपका लड़ाई परमेश्वर के आपका लड़ाई परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, वचन के द्वारा, शक्ति के द्वारा, शैतान के साथ होगी, उस समय आप जय पाएंगे। फिर पहला पत्रस उसके 5:9 पर पढ़े, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो, यह जानकर शैतान का सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे। 10 पद है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ताली बजा के परमेश्वर को हमें स्थिर करने वाला परमेश्वर है, हमें दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर है। इन सारी बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा विश्वास से होती हैं। जिस तरह आपका विश्वास है, उस तरह आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब रहा सवाल, हमारे जीवन की तमाम शोक को प्रभु बदलने के लिए, आनंद में बदलने के लिए वायदा करता है, वाचा बांधता है। हालेलुया, तो उसका उसकी वाचा देखिए किस प्रकार। पहला कुरिन्थियों का पत्र उसकी 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों, मैं इस सप्ताह इस वचन को बीते हफ्ता थोड़ा बहुत बोला था, लेकिन आज इसको क्लियर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 10 अध्याय 13 पद, पौलुस बहुत सुंदर ढंग से कुरिन्थी कलीसिया के लोगों को इस शिक्षा देता है, क्या बतलाता है, पढ़ेंगे। ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, ठीक है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा, रास्ता भी आपके लिए हो। इस साल का हमारा वायदा है प्रभु का, ओपन डोर, न्यू डोर, नई दरवाजा, खुला दरवाजा। भाई बहन, परमेश्वर का उस वायदा को इस वचन के साथ मिला करके देखिए आप। मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती के साथ बोल रहा हूँ, आपकी सारी दुख क्लेश को परमेश्वर इस पौधा का अगर मैं पकड़ करके उठाऊंगा, यहां से जड़ के साथ ही निकल जाएगा। इस तरह परमेश्वर आपके अंदर, दिल के अंदर जो चिंता, परेशानी, दुख, शोक, मुसीबत, तमाम प्रकार, नाना प्रकार की क्लेश, कभी कभी किसी किसी को डर भी लगता है किसी किसी बातों को लेकर के, अगला हफ्ता क्या होगा, अगला महीना क्या होगा, अगला इस सब परमेश्वर पर डाल दो। प्रभु का वचन बतलाते अपना बोझ प्रभु पर डाल दे,
ना तो वो संभालेगा, धर्मी जन को टलने नहीं देगा। हालेलुया। बगल वाला को देख करके बोलेगा धर्मी जन को टलने नहीं देगा। हालेलुया। हाथ जरूर दिखाइए, तब थोड़ा सा हमेशा याद रहेगा, धर्मी जन को टलने नहीं देगा। वो टलने नहीं देता, हिलने नहीं देता, डूबने नहीं देता, थकने नहीं देता। परमेश्वर का वायदा एकदम साफ है, आप को छोड़ के वचन से आपके अगर आप दाएं मांगे, आप अपने समस्याओं के लिए रास्ता ढूंढेंगे, वो आपके आपके लिए सफल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन बतलाती है कि बेटा तुम अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेगा। जब आप कोई विश्वासी धर्मी जन परमेश्वर का जानने वाला, प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला, आराधना में आने वाला, दान दसवां परमेश्वर के लिए देने वाला अपना बुद्धि का सहारा लेगा, उसका कार्य कोई उसका कार्य सफल नहीं होगा। भाई बहन भाई धर्मशास्त्र साफ तौर से बतलाते हैं, फिर इस वचन को पढ़ेंगे, पढ़े 13 पद पहला बोलते 10 अध्याय। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसे परीक्षाओं में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से आपकी सामर्थ आपकी शक्ति से बाहर परीक्षा में न पढ़ने देगा परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, परीक्षा के साथ निकास मार्ग भी निकालेगा बचने के लिए, भागने के लिए, कि तुम सह सको सहने से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने का शक्ति देगा, बचने का राग देगा। हम बोलेंगे तब ये चालू हो जाएगा, इतना सुंदर वायदा है, बचने का राग देगा। Oh,
तुम्हारा परमेश्वर सहने से बाहर कष्टों में तुमको पढ़ने नहीं देगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है वो वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, रास्ता भी निकालेगा भागने के लिए, उस परीक्षा से जय पा करके भागने के लिए रास्ता। अब आप पूछेंगे कि परीक्षा में भी डाल देगा, भागने के लिए निकास, रास्ता भी निकालेगा। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है परीक्षा में, जब परीक्षा में आप पढ़ते हैं, परीक्षा में पढ़ने के समय में वो आपको बचाएगा भी और भागने के लिए परीक्षा में भी पढ़ने देगा और भागने के लिए रास्ता भी निकालेगा। ये कैसा है? आप यूसुफ को याद करो। यूसुफ परीक्षा में जब पढ़ा था परमेश्वर उसका साथ था। एक शब्द बाइबल धर्मशास्त्र में यूसुफ के समय में आप 37 अध्याय से 50 अध्याय तक उत्पत्ति का पुस्तक को पढ़ेंगे, एक बार अगेन एंड अगेन इट वाज रिपीटेडली रिटन। लगातार ये शब्द परमेश्वर यूसुफ के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। कितना भी परीक्षा आवे उससे आपको कोई मतलब नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है मैं घोर अंधकार में वो के भरी हुई तराइयों में वो कर कभी क्यों ना चलो तो पर भी परमेश्वर तू मेरा साथ है। वचन संहिता 23 अध्याय। मैं कितना भी घोर अंधकार में होके जाऊं, कितने भी शत्रुओं से मैं घेरा जाऊं, तब पर भी परीक्षा को परमेश्वर अनुमति देता आने के लिए, लेकिन बचने का रास्ता भी निकलता है। यूसुफ के लिए एक रास्ता था। ध्यान दीजिए भाई बहन, मैं आप ही के जीवन के बारे में बोल रहा हूं। यूसुफ के लिए भागने के लिए बचने के लिए एक रास्ता परमेश्वर ने निकाला, उसके चलते वो प्रधानमंत्री बन गया। ताली बजा के परमेश्वर देश में यूसुफ गुलाम बनकर के गया था, जिस देश में इंसान की यानी गुलामों का बेचने का बाजार में यूसुफ के बदन में एक भी वस्त्र नहीं था। वस्त्र बाइबल में नहीं है, लेकिन बाइबल की संबंधित किताबों में वो बात जिक्र है। क्यों जिक्र है? गुलाम को खरीदने के समय में किसी का हड्डी टूटा है, कमर टूटा है, गांव है, और वो 6 महीना तक इलाजे में रह जाएगा। जो पैसा देकर खरीद के जाएगा उसके लिए क्या फायदा होगा? फायदा तो नहीं होगा। इसीलिए गुलामों को, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बाजार में खरीदने के लिए जो जाते हैं नंगा करके बेचते हैं। उस जगह में यूसुफ भी था, याद रखिए। जिस देश में नंगा करके निकाह खड़ा किया गया उसी देश का परमेश्वर जब बचने का रास्ता निकालेगा ना, प्रधानमंत्री का नाम कब बना के खड़ा करेगा। ताली बजाइए। जिस देश के जेल में दानिय शेर के पिंजरे में फेंका गया था, उस परीक्षा को परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुमति आने के लिए अनुमति दिया, लेकिन दानियल को यह नहीं मालूम था मेरी प्रार्थना कहां तक मेरे जीवन में काम करेगा। ई बिकेम ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बैबिलोन। दानियल भी वो मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया, दानियल बाबुल देश में प्रधानमंत्री बन गया। ताली बजाएगा नहीं? परीक्षाओं को देख करके घबराइए मत, परीक्षाओं को देख करके घबराइए मत, उसमें डटे रहिए। जैसे यूसुफ अपना पवित्रता को प्रकट किया था, कपड़ा को वस्त्र को छोड़ करके बाबा लो तुम मुझे अपने कब्जा में नहीं ला सकती, पोतीपा की पत्नी को साथ दिस वाज द कॉन्वर्सेशन
अब जी जोसेफ, तुम मेरे ऊपर अधिकार नहीं जता सकती, मेरे बदन के ऊपर अधिकार नहीं जता सकती, मेरे शरीर के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। लो कपड़ा चाहिए तो ले जा, मैं नंगा भागता। परीक्षा आता है, हम किस प्रकार उस पर और कम करते हैं, विजय पाते हैं। जब आप विजय पाएंगे, जरूर परमेश्वर आपको सारा शोक को आनंद में बदलेगा। यूसुफ का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर, एकदम जोर से ताली बजा दे। दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, हमारा शोक का आनंद में बदल देगा। अहश्वेर नामक एक राजा था, उसकी राज्य काल में मुर्दकाय नामक एक गुलाम उस देश में घूम रहा था। उसको मालूम नहीं था किसी दिन वो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन वो अपना लेपालक पुत्री एस्तेर को सही तरह से रास्ता बताता है। आप अपने बाल बच्चों को सही रास्ता बतलाएंगे, उसमें वे भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे। जब सही बात को बोलने के समय में एकदम आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखना, फट से बोलिए। अगर आपको आपके बच्चों से ज्यादा वचन की जानकारी है, मैं सीधे फिर बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए, वचन की जानकारी आपके बच्चों से आपको अगर ज्यादा है, किसी के चेहरा देखने को कोई जरूरत नहीं, इसको एकदम मुंह पर बोल दीजिए। किसी दिन आज समय बच्चे आज नहीं समझेंगे, कल लेकिन लेटर दे विल अंडरस्टूड, बाद में वे समझ जाएंगे, लेकिन बोलिए। हाँ बेटा, तेल लगाना साबुन लगाने का काम बंद कीजिए। अगर सवेरे 7 बजे स्कूल जाना है, आप अपने बच्चों को रात 8 बजे खाना खिला करके सुलाइए, आपके साथ 11 बजे तक खेलने मत दीजिए, गलती आपकी है। मैं बीते आपका नागवारा में ये प्रचार किया था किसी परिवार के आशीर्वाद के बारे में। हम अगर उनको 10 बजे 11 बजे 12 बजे सुलाएंगे, तब सवेरे हम उनको जोर जबरदस्ती करेंगे 5 बजे उठिए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, 6 बजे उठिए नहाइए, 7 बजे स्कूल पहुंचना होगा। बच्चों से गलती किसकी बोली, ऑनेस्टली बोली किसकी है। मैं 10 बजते कितना भी काम रहेगा, सबको काम में भी रहेंगे, मैं बोलूंगा प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करके मैं अपना मोबाइल लेकर रूम में जाता हूँ, मिशनरी बायोग्राफी एक देखूंगा। आप अगर सही है, सब सही तरह से चलेगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर मुर्दकाय को उस देश में रखा था केवल, देखिए इस बात को समझना, यूसुफ का दुख हो, दानियल का दुख हो, मुर्दकाय एस्तर के दुख क्यों ना हो, केवल इन लोगों का अपना व्यक्तिगत नहीं, देश के लोगों का साथ जुड़ा हुआ दुख है। आप इस बात को समझने के लिए पूछो, मैं बहुत गहरी बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। केवल उन लोग आनंद नहीं बनाया, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया था, उसका पूरा परिवार के लोग कनान देश से अकाल के समय में याकूब सबको लेकर के मिस्र देश में आ गए। दानियल के समय में जब दानियल प्रधानमंत्री बना था, राजा का अगला जगह में उसी का पद है, तो उस समय उसने अपना 7 सहकर्मी के रूप में सदरात मिशाल अबेदनगो को ले लिया, और इन लोगों के चलते समस्त इस्राएली लोगों को छूट, हर जगह में आशीष, सबका दुख दूर किया जा रहा है। मैं इतना से बोल रहा हूं, भले मैं अगला आपका भी बोलूंगा, ध्यान दीजिए, आप अकेले नहीं है, आपके पीछे, आपके पीठ के पीछे एक बहुत बड़ा सेना है, परमेश्वर के लोग है, कलीसिया के लोग है, समाज के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बहुत लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एस्तेर को राजा की पत्नी के रूप में, महारानी के रूप में तैयार करके रास्ता बता दिया मुर्दकाय, और ये किला के बाहर, एस्तेर किला के अंदर, और दोनों अपना अपना जिम्मेदारी का समझ करके काम कर रहे थे, साथ में कुछ लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं। एस्तेर
अंदर भी कुछ लोगों के साथ प्रार्थना कर रही मोर्दकाई बाहर यहूदियों के कुछ लोगों को लेकर के प्रार्थना करता है। जब राजा कानून को मिटाने के लिए अपना मोहर लगाया, अंगूठियों का छाप लगाया, उस समय केवल एस्तेर और मोर्दकाई आनंद नहीं मनाए। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, इट इज मैंडेटरी, इट इज क्लियरली रिटन इन द बाइबल। समस्त 127 देश में जितने परमेश्वर को मानने वाले यहूदी लोग थे, सबके ऊपर का जो गर्दन पर तलवार लटका हुआ था वो हट गया। ताली बजा के आप इतना परमेश्वर के बारे में सोचना होगा, केवल आपका दुख नहीं, केवल आपका शोक नहीं, केवल आपका समस्या नहीं, केवल आपकी चिंता नहीं, केवल आपकी बीमारी नहीं, केवल आपकी परेशानी नहीं, केवल आपकी दबाव और बंधन नहीं, आपके पीठ के पीछे जितना रोग है, सब लोगों को दुख को परमेश्वर आनंद में बदलेगा, आपके द्वारा करेगा। जरा सोचिए आपके साथ काम करने वाले लोगों का, लोगों में से कितने लोगों के साथ क्या क्या समस्या है। दिन में आपके साथ काम करके रात में जाके कोई आत्महत्या भी करने के लिए सोच के आया होगा। आप परमेश्वर के करीब में रहेंगे, परमेश्वर का आवाज को आप रोज सुनने के दूरी में आपका आत्मिक जीवन रहेगा, प्रभु बोलेगा उससे बात कर, आज रात वो आत्महत्या करने वाला है, उससे बात करो, घर में बहुत गरीबी है, दरिद्रता है, कर्जा है, पूरा परिवार डूब रहा है, आपकी एक 5 मिनट का प्रार्थना से पूरा बच जाएगा परिवार। आपके अंदर जो आनंद है वहां पर फटेगा, आपके अंदर से वो फ्लो होगा, उनके ऊपर फ्लो होगा, आपके अंदर से होगा। इसलिए केवल आप तक की बात नहीं, आपके चारों तरफ रहने वाले लोगों के लिए भी बतलाइए ईमानदारी से। इस हफ्ता 6 दिन आप बिता करके या 7 दिन आप बिता करके एक नए हफ्ता में आप आए हैं यहाँ पर आराधना में, इस हफ्ता के अंतर्गत में आपने 7 दिन में क्या कम से कम 7 लोगों को सुसमाचार सुनाए, कम से कम 1 दिन के लिए। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं दिया, प्रभु तो हमारे लिए सब कुछ दिया, मांगते तब वो देता है, नहीं मांगते तब वो देता है। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम मांगने से पहले ही तुम्हारी सभी जरूरतों को जानता है। इतना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 दिन में 1 आदमी का आप प्रभु के बारे में बतलाते हैं, आपको दुख क्यों बढ़ रहा है, आप सुख देने वाला परमेश्वर को अंदर रखते हुए उसके बारे में दूसरों को नहीं बता रहे। आप में से कितने लोग अपने काम के लिए जाने के समय बाइबल बैग में रख के ले जाते हैं, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा जब समय मिलता 10 मिनट वचन पढ़ लेंगे, पढ़ने के समय में कोई आएगा इसी बहाने हम उसको सुसमाचार सुना देंगे। भाइयों इस बात पर ध्यान दीजिए, हमारा शोक को परमेश्वर आनंद में बदलने के लिए चाहता है, लेकिन हम उसको हमारे अंदर लाने के लिए हम किस प्रकार कार्य करते। मैं 3 वचन को बोल रहा हूं, मैं जितना बोलने के लिए सोचा था जरूर नहीं बोला, अगला हफ्ता जरूर बोलूंगा, लेकिन 3 वचन को मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहले आप थोड़ा सा जल्दीबाजी में, अभी 15 मिनट समय है, जल्दीबाजी में थोड़ा पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार। परमेश्वर किसका किसको शोक को आनंद में बदलेगा, एक सवाल, उस सवाल के साथ मैं पुराना नियम में से अगला हफ्ता में प्रचार करूंगा, आज मैं नया नियम से बोल रहा हूं किसका शोक को प्रभु आनंद में बदलेगा। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 15 अध्याय उसमें 1 से लेकर 7 तक आप फटाफट पढ़ेंगे। कोई सब चुंगी लेने वाले और पापी यीशु के पास आया करते थे ताकि यीशु का प्रचार को सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो यीशु मसीह के बारे में ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह
तब यीशु मसीह ने उन लोगों को इस प्रकार के दृष्टांत सुनाया, तुम में से कौन है जिसकी सौ भेड़े की जो सौ भेड़े हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 भेड़ों को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई एक भेड़ को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे क्या खोजता ना रहे और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता घर में आकर और घर पर आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी कोई भी भेड़ मिल गई है। मैं यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता क्योंकि जिनके मन की मन फिराव की आवश्यकता नहीं है करके वे सोचते बोलते चलते दिल कठोर हमको मन फिराने की क्या जरूरत है हम तो ठीक है। ये विचार आपके अंदर आएगा तो आप बहुत खतरा में पड़ जाएंगे, इस पर ध्यान दीजिए। फरूसी और सदूकी वे अपने आप को धर्मी बनाते थे, परमेश्वर के द्वारा धर्मी नहीं बनाए गए वे अपने आप को, इसका मतलब हो गया सेल्फ राइटियसनेस, अपने आप को धार्मिक बना करके दिखाने वाले। जब तक आप दूसरों को आईना दिखाते रहेंगे तब तक आपको आपकी कमी, आपका बाल कितना, बाल किधर है, किस तरह आपका चेहरा है, कहां पर कोई दाग है, कहां पर मिट्टी लगा है, ये सब आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप दूसरों को आईना दिखाते हैं। जब आप उस आईना को पलट करके अपने तरफ देखिएगा तब आपकी कमियां आपको दिखाई देगी। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह इन फरीसी सदूकी के बारे में वही बोला है कि वे मेरे बारे में ये सोचते हैं ये तो पापियों से मिलता है, ये तो पापियों के साथ बैठ के खाता है। तब प्रभु यीशु मसीह को बोलना पड़ा, ध्यान दीजिए, किसको परमेश्वर किसका शोक को आनंद में बदलता है। प्रभु यीशु मसीह ने दो दृष्टांत बतलाए, एक मैं बता दिया, दूसरा एक वृत्ति के बारे में मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए कि किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ है, एक हो गया है बीच जंगल में जोड़ छोड़ करके, क्या उस एक पेड़ को ढूंढने के लिए वो नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा। जाकर ढूंढा है, पेड़ मिल गए, मिलने के बाद वो पेड़ अच्छी है, इसलिए चरवाहा देखने के बाद वो दौड़ करके उससे मिल गए और चरवाहा बोलता है तुम बहुत दूर चली गई, बहुत दूर तुम मुझसे भाग गया, इसलिए चलो हम तुमको कंधा पर बैठा करके ढोके ले जाऊंगा। और वो बेड सही है इसलिए चरवाहा का हर बात को मानती है। आप तब तक सही रहेंगे जब तक परमेश्वर का हर बात को मानेंगे, बिना शर्त के, बिना विदाउट एनी डिमांड। ये बात मैं बिब्लिकली बोल रहा हूं, तुम्हारा पिता को याद करो, कौन? बाइबल के आत्मिक पिता इब्राहिम, जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय के पहला पद से अगर पढ़ेंगे 14 पद में लिखा है, तीन पद में परमेश्वर अपने दिए जाने वाले आशीषों के बारे में इब्राहिम से बात करता है, 4 पद में लिखा है कि इब्राहिम ने बिना शर्त रखे, विदाउट एनी डिमांड एंड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, वो अपना घर, माता पिता, घर द्वार सब छोड़ करके जो जगह परमेश्वर दिखाया है उस जगह इब्राहिम अपना पत्नी को लेके चला गया, साथ में लूट भी गया। ध्यान दीजिए, बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, सही बेड़ का पहचान वो अपना चरवाहा से, अपना आत्मिक पिता से रगड़ झगड़ नहीं करे, क्योंकि रात दिन आत्मिक पिता क्या करता है अपने बेड़ों के लिए, बोलिए, अपने भेड़ों के लिए रात दिन प्रार्थना करता है, परीक्षा करता है, उनके लिए परिश्रम करता है,
और उनके ऊपर नजर रख के देखते रहते। ये कहा तैयार रखिए, थोड़ा एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों का पत्री उसकी 13 अध्याय, इब्रानियों का पत्री उसकी 13 अध्याय, उसमें 7 पद को पहले पढ़ेंगे, 13:7 जो तुम्हारे अगुवे थे या है, ठीक है, जिन्होंने और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, ध्यान से उनकी चाल चलन को देखो, चाल चलन का अंत देखकर विश्वास का अनुकरण, उसका विश्वास का, अगर तुम्हारा पात्र शराबी है उनकी बात नहीं मानना, अगर तुम्हारा चरवाहा बेविचारा है उनकी बात नहीं मानना, अगर तुम्हारा चरवाहा या पास्टर या सेवक पैसा लूटने वाला है, लुटेरा है, उनके बात नहीं मानना। लेकिन बाइबल धर्म शास्त्र बतलाती है, जो तुम्हारे अगुवे थे, अगुवे हैं, जिन्हें जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, ध्यान से उनके चाल चलन हर काम को देखो, अंत तक देखो, देखकर उनकी विश्वास करो, विश्वास का अनुकरण करो। वो जिस प्रकार विश्वास करते उस तरह आप ही उनके पीछे पीछे चलते रहो। वो भेड़ उस तरह का भेड़ है जो यीशु मसीह ने कहा, जब चरवाहा भेड़ चरवाहा से भेंट हो गया, वो भेड़ भागने की कोशिश नहीं किया, चरवाहा के साथ मिल गया, चरवाहा कहता बहुत दूर तक भाग गया था, चलो तुमको आगे दुख नहीं होने दूंगा, आओ मैं तुमको ढो करके ले चलूंगा, जहां तक तुम दौड़ के आया था वहां तक मैं तुमको ढो के ले चलूंगा। कहां से दौड़ के आ गई ये भेड़? जवाब दीजिए, ये भेड़ कहां से दौड़ के आ गई? भेड़शाला। भेड़शाला क्या है? परमेश्वर का भवन। असली भेड़शाला ये नकली भेड़शाला है, असली भेड़शाला स्वर्ग है, आखिर में परमेश्वर हमारा चरवाहा रहेगा, हम उसकी भेड़ बनकर उसके चारों तरफ रहेंगे। ये तत्कालीन, नकली नहीं, तत्कालीन भेड़शाला है, असली भेड़शाला ऊपर है, वो भेड़ उसके लिए तैयार हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं इसी अध्याय के 17 पद पढ़िए, 17 पद इसी अध्याय की पढ़िए, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके आधीन रहो, क्योंकि तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे क्या करता है, तुम्हारा पिता या आदमी पिता या लीडर या अगुआ चरवाहा तुम्हारे लिए क्या करता। आज तक अगर आप नहीं माने हैं, नहीं जाने हैं, कम से कम आज ठंडे दिमाग से समझ के जीवन को बदलो। लिखा है पढ़े, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगी, तुम्हारा शोक शोक ही रह जाएगा, आनंद में नहीं बदल सकता है। बात समझ में आ रहा है? समय समाप्त हो गया, मैं अगला हफ्ता यही से प्रचार करूंगा, आइए हम प्रार्थना करें। उसका कोई भी वायदा न हो